दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह पार्ट 13। इससे पहले पार्ट 12 पार्ट में इसमें डाल चुका हूँ। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने भी प्रतियोगिता दर्पण में सार संग्रह वाला पोर्शन है, और वो सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और UPPCS और UKPCS और UPSC सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इनको देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, एग्जिम नीति के तहत घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक साइज योजना को कब से कार्यान्वित किया गया है? तो ये कब से शुरू हुई थी ऐसी जी योजना? 1 मई 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? तो जो म्यूचुअल फंड संगठन भारत का सबसे बड़ा है वो UTI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो ये की थी AM खुसरो समिति ने। AM खुसरो समिति ने क्या कहा था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय कर देना चाहिए। क्वेश्चन 80, डो जोन्स क्या है? डो जोन्स क्या है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार। जैसे इंडिया में BSE है, NSE है, इसी तरह US में डो जोन्स है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार। 81, सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी की अधिकतम दर पीक रेट कितनी है? 20%। 82, पंचधारा योजना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो पंचधारा योजना है मध्य प्रदेश से संबंधित। भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा है? तो ये 52% भारत की कुल जो श्रम शक्ति है उसका 52% कृषि कार्यों में लगा हुआ है। इसके बाद हायर एंड फायर नीति का संबंध किससे है? हायर एंड फायर नीति का संबंध है मुआवजा देकर कर्मचारियों की छटनी से। क्वेश्चन 85, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1958 में। 86, संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अब हम करेंगे सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, समुद्री जल में धातुवी तथा अधातुवी तत्व बहुतायात में पाए जाते हैं। तो यौगिक रूप में सोडियम तथा आयोडीन, सोडियम और आयोडीन समुद्री जल में धातुवी और अधातुवी जो रूप में पाए जाते हैं। तो ये कौन से हैं? यौगिक रूप में सोडियम तथा आयोडीन। क्वेश्चन 88, एक्स किरणें और वाई किरणें तथा प्रकाश किरणों के वेग होते हैं यानी कि एक्स रेज और गामा रेज, इनके प्रकाश किरणों के वेग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 89, टीटनेस का रोग किसके कारण होता है? तो टीटनेस का जो रोग होता है जीवाणुओं के कारण होता है। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन के। 91, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? 310 केल्विन, यानी मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो केल्विन में अगर हम देखेंगे तो 310 केल्विन होगा। भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कहाँ है? कामिनी कलपक्कम। 93, पनडुब्बी चालक किसी यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? तो पेरिस्कोप की सहायता से। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक कहा जाता है? ये कहा जाता है परकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर। 95, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट। 96, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। देखिए, जितने विटामिन हैं सबके जो केमिकल नेम और जितने भी हैं वो सब मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, उसमें आसान सी ट्रिक से आपको याद कराया है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं।
अब कुछ क्वेश्चन हम कृषि से संबंधित देखेंगे, क्योंकि यूपीपीएससी का जो भी एग्जाम होता है उसमें कृषि से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग रोग किस तत्व की कमी से होता है जिससे स्वाद में कड़वापन हो जाता है? तो यह है बोरोन। अगर बोरोन उसमें नहीं होगा तो उसमें ब्राउनिंग रोग आ जाएगा। बैंगन में लिटिल लीफ रोग किसके कारण उत्पन्न हो जाता है? फलदार पत्तियाँ छोटी पीली, फल नाना आदि लक्षण पैदा हो जाते हैं, ये होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की कमी से लिटिल लीफ बैंगन में उत्पन्न हो जाता है। 99 धान यानी कि पैडी में खैरा रोग का कारक होता है जिंक तत्व की कमी से। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपका कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो वो जिंक की कमी से होता है। क्वेश्चन 100, फूल गोभी में विप टेल रोग का क्या कारण है जिससे पत्तियां पतली व पट्टीदार हो जाती हैं? तो ये होता है मॉलीबिडनम की कमी, अगर होगी फूल गोभी में तो विप टेल रोग आ जाएगा। 101, सोडियम तत्व किन फसलों में पोटास तत्व की कमी को उपलब्ध कराने में मदद करता है जो आवश्यक पादप पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये पात गोभी, मूली, गांठ गोभी, चुकंदर आदि में। 102, फेलेरिस माइनर खरपतवार से अधिक ग्रासित फसल है जो वर्ष 1966-67 में आई कृषि में हरित क्रांति हेतु अमेरिकन गेहूं मैक्सिकन प्रजाति के बीज में आ गया था, वो था गेहूं। 103, अरगोट रोग किस फसल में लगता है? अरगोट लगता है बाजरा में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अरगोट रोग किस फसल में लगता है? बाजरा में लगता है। 104, आलू का वास्तविक नाम एवं कुल क्या है? आलू का जो नाम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम और इसके कुल का नाम है सोलेनेसी। 105, एक एकड़ भूमि का क्षेत्रफल कितने वर्ग गज होता है? तो यह था का 48-40 वर्ग गज। 106, एक हेक्टेयर भूमि का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होता है? तो एक हेक्टेयर में जो है 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो ये थे प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।